दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं राजीव रंजन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म और किसी समुदाय के लोग हों। हर तरह के गरीब और असहाय लोग भी इस लॉकडाउन का बखूबी सख्ती से पालन कर रहे हैं, ताकि इस वैश्विक संक्रमण से बचा जा सके, इस महामारी से बचा जा सके। घर में रहकर लोग इस वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामला जो आया है नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड क्षेत्र के मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा पंचायत की, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बिहारशरीफ प्रखंड क्षेत्र के पलटपुरा एक पंचायत है मानपुर थाना क्षेत्र में, जहाँ एक पूर्व मुखिया पति ने इस लॉकडाउन की ना केवल धज्जियां ही उड़ाई है, बल्कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि करीब सैकड़ों का भीड़ इकट्ठा कर अपने पुत्र मोह में, अपने पुत्र को बचाने के लिए इस मुखिया पति ने, पूर्व मुखिया पति जो हैं अशोक पासवान, और इनके द्वारा खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मखौल उड़ाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में सैकड़ों का भीड़ इकट्ठा कर अपने पुत्र को बचाने के लिए मारपीट में, उनका पुत्र किसी के साथ मारपीट किया अपने दो चार दोस्तों के साथ मिल करके, और पंचायत के जो पूर्व मुखिया के पति हैं अशोक पासवान, उसने अपने पुत्र को बचाने के चक्कर में सैकड़ों की भीड़, यानी अपने गांव बेलची शरीफ, पलटपुरा पंचायत के एक गांव है बेलची शरीफ में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके और अपने दबंगई का परिचय दिया है, और सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। आपको हम बताते चले कि पूरे देश इस वैश्विक संकट से जूझ रहा है, लोग इस संकट से उभरने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लोग घर में रह रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, ताकि इस संकट से हम उभर सकें। और इससे उभरने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इससे पे विजय पा सकते हैं, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हम हरा सकते हैं। लेकिन इस मुखिया ने अपने पुत्र मोह में सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके और अपने पुत्र के पक्ष में पंचायत बैठाया, ताकि मामला आगे न बढ़ सके। लेकिन एक कहावत है ना कि एक के चक्कर में सबको ही गए, उसी तरह ही ये मुखिया जी किए हैं, पूर्व मुखिया पति हैं अशोक पासवान, इनकी पत्नी रेणु देवी, यानी लगभग दस वर्षों तक इसने पलटपुरा पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बावजूद इन्हें नियम और कानून नहीं बुझाता है। जब इनकी बारी आती है तो इनको नियम और कानून नहीं बुझाता है, लेकिन जब जनता प्रतिनिधि के तौर पर, जब जनता इनसे कुछ अपने हक की बात करती है, मांगने की बात करती है, तो उसको नियम और कानून सिखाते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का यही हालात है, लेकिन इस जनप्रतिनिधि ने जो इस वैश्विक संकट में कर दिखाया है वो तो देखने लायक है। आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से मुखिया ने लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। आप सुन भी सकते हैं कि क्या मुखिया ने कुछ कहा है, आप सुनिए। कोई भी बात नहीं हुआ है, बाल बच्चा झगड़ गया, हम लोग मिल बैठ के पंचायती कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब किस चीज के लिए विवाद हुआ था? कोई चीज के लिए विवाद नहीं हुआ, बाल बच्चा था, दोनों लड़ झगड़ गया, एक जगह खेल कूद रहा था, लड़ झगड़ गया, उसी के लिए हम लोग बैठ करके पंचायती कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक पासवान। किस पंचायत के मुखिया थे आप? पलटपुरा पंचायत के। अच्छा, पूर्व मुखिया थे जी। दोस्तों आपने मुखिया को सुना, इतना ही नहीं, आप सुनिए जिनके साथ मारपीट हुई, जो पीड़ित हैं उनको भी आप सुनिए। कहाँ हुआ था? अच्छा, तो कौन मारपीट किया था? वो मुखिया जी का बेटा था, वो प्रिंसिपल था, वो चंदनवा था। अच्छा, तब यहाँ क्या हो रहा है? पंचायती हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? दोस्तों ये थे पीड़ित। अब सोचिए, मुखिया जी जो हैं पंचायत के, पलटपुरा पंचायत के जो पूर्व मुखिया हैं, अपनी ताकत के दम पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, और इस वैश्विक संकट में लोग, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आप घर से ना निकले, घर में रहें, लक्ष्मण रेखा घर के बाहर बना हुआ है, बावजूद इस पूर्व मुखिया पति ने सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर अपने पुत्र मोह में पंचायत बैठाया और पंचायत में निर्णय लिया, सुलह करवाया। तो
दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं कि इस मुखिया पर क्या कार्रवाई की जाए। अब तो देखना यही होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा आखिर क्या कार्रवाई की जाती है इस मुखिया के ऊपर। लगातार लोग संदेश भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि आप घर में रहें। इस वैश्विक महामारी से जंग जीतने के लिए घर में रहना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग अति आवश्यक है। लेकिन मानपुर थाना क्षेत्र के, बिहार शरीफ प्रखंड के मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा पंचायत के जो ये मुखिया हैं, बेलची शरीफ निवासी, अपने ही गांव में रविवार के दिन सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके, रविवार जो 26 अप्रैल का दिन था उस दिन सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लिए और अपने पुत्र मुंह में पंचायत बैठाए। तो अब देखना यह होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।